सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 1 एमसीयू की फर्स्ट स्पाई थ्रिलर सीरीज को शुरू करता है कई सारे ट्विस्ट, शॉकिंग मोमेंट्स और निक फ्यूरी के रिटर्न के साथ। सीक्रेट इन्वेजन कवर करती है निक फ्यूरी के एफर्ट्स स्कल्स को रोकने के लिए, जो ह्यूमैनिटी को खत्म करके अर्थ पर कब्जा करना चाहते हैं। एपिसोड 1 के प्रीमाइस में हमें न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और ये भी समझाया जाता है कि ओल्ड कैरेक्टर्स के साथ क्या हुआ, जहाँ पर वो आखिरी बार हमें ट्विस्ट, टर्न्स और बिट्रेल करते हुए दिखाए गए। और ये कहा जा सकता है कि सीक्रेट इन्वेजन को एक अच्छे और एक्शन पैक सीरीज के तौर पर सेटअप किया गया है। तो चलिए बात करते हैं सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 1 में दिखाए गए 5 शॉकिंग मोमेंट्स के बारे में। नंबर 5, एवरेट रॉस भी एक स्क्रल है। एपिसोड एक स्ट्रॉन्ग नोट पर शुरू होता है, जहां पर एवरेट रॉस हमें एक सीक्रेट मीटिंग में दिखते हैं एजेंट प्रेस्कॉट के साथ, जो इस पॉइंट तक किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहे होते, और बाद में हमें दिखाया जाता है वो किसी चीज पर काम कर रहे थे। और जो रॉस हमें दिख रहे थे वो स्क्रल है, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश कर रहे थे। नेचुरली ये बात एक सवाल खड़ा करती है कि रॉस का लास्ट अपीयरेंस जो हमें दिखा था ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में, वो उनका था या फिर वो एक स्क्रल था। नंबर 4, ग्रेविक का सीक्रेट इन्वेजन प्लान रिवील हो गया। रॉस के खुलासे के बाद हमें डर्टी बॉम्ब प्लान की जानकारी टैलोस और मालिया हिल के द्वारा फ्यूज को बताते हुए दिखाई जाती है, जिससे हमें सीक्रेट इन्वेजन के विलन ग्रेविक के बारे में पता चलता है। निक फ्यूजी के अर्थ पर ना होने की खबर मिलते ही ग्रेविक स्क्रल काउंसिल में ज्वाइन होकर फ्रस्ट्रेटेड एक स्क्रल का एक ग्रुप बनाता है, जो कि उसे मदद कर सके यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच वॉर स्टार्ट करने के लिए। AAR अमेरिकन अगेंस्ट रशिया टेररिस्ट बैनर के द्वारा इन बॉम्ब्स को यूज करने के लिए, जिससे कि दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन बढ़े और एक न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो, जिससे कि वो अर्थ पर कब्जा कर सके क्योंकि वो रेडिएशन से इम्यून है। नंबर 3, स्कल शेल मशीन को यूज में दिखाया गया। ह्यूमंस को शेल्स में रखने की मशीन दिखाने से सीक्रेट इन्वेजन में एक साइंस फिक्शन हॉरर एस्पेक्ट ऐड हो गया, जिससे हमें पता चला कि ग्रेविक कितना रूथलेस विलन है। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि ग्रेविक के स्क्रल ग्रुप ने कुछ चुनिंदा ह्यूमंस को डिवाइसेज में रखा है, जिससे वो पहले उनका रूप ले सके और फिर उनके दिमाग को भी अपना बना सके। ये डिवाइसेज रिसेम्बल करते हैं कैप्टन मार्वल में दिखाए गए मेमोरी प्रूफ की तरह, हालांकि इन्हें और ज्यादा इंटेंसिव पर्पस के लिए अल्टर किया गया होगा। नंबर 2, जिया ने रिवील किया कि फील्ड में कितने स्क्रल ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मिस कर दिया होगा, लेकिन जिया के कहने के मुताबिक फील्ड में एटलीस्ट 100 स्क्रल्स है, जो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने और ग्रेविक के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए लोगों का रूप ले रहे हैं, जिससे कि निक फ्यूरी के उसे रोकने के प्लान की संभावना और भी कम हो गई है, क्योंकि फ्यूरी की टीम बहुत छोटी है। नंबर 1, मारिया हिल मर चुकी है। सीक्रेट इन्वेजन जैसी स्पाई थ्रिलर सीरीज में इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की डेथ को रोकना नामुमकिन है, हालांकि बहुत कम लोगों ने यह सोचा होगा कि इसके एपिसोड 1 में ही मारिया हिल मारी जाएगी। लेकिन एपिसोड के एंड में हमें ऐसा ही होते हुए दिखता है, जब बॉम्ब फटने के बाद कियोस मचा था, तब ग्रेविक निक फ्यूरी का रूप ले लेता है और मारिया हिल को गोली मारता है। ये देखते हुए कि फ्यूरी को हिल की बॉडी वही छोड़नी पड़ी, तो चांसेस है कि वो जिंदा होगी, क्योंकि सुपर हीरो मूवीज में हीरो या विलन की डेथ हम तब तक कंफर्म नहीं मान सकते जब तक वो हमें आखिरी सांसें लेते हुए ना दिखे। और ये हो सकता है कि कोई स्क्रल मारिया हिल की जगह लेकर हमें बाद में बड़ा ट्विस्ट दे दे, पर असल में इस मोमेंट ने ऑडियंस को शॉक कर दिया है और सीरीज के स्टेक्स को काफी हाई कर दिया है। तो यही था वीडियो सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 1 के 5 शॉकिंग मोमेंट्स के बारे में। सीक्रेट इन्वेजन सीरीज के बारे में आपकी क्या थॉट्स है, या आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।